दा रास सी जो कि एक बिल्ली है चूहे की, जो चूहे का इंतजार कर रही है। देखो संडे की दोपहर है और हम घूमने निकले, वो तेज ही होती है चाहे हवा भी हो चाहे धूप। ये डेंटल क्लीनिंग है, ऑप्टिकल का है, मेडिसिन की दुकान है। सड़क पार करनी होती है, जैसे हम इधर जाना है तो हमें ये बटन दबाना पड़ेगा, तो वो लगता है जैसे ऑक्सीजन से भर गया हमारा शरीर। सीखने को मिली, मैं वो शेयर कर रही हूँ। पेड़ों की थिकनेस बताएगी कि वो एरिया नया है या पुराना। हाँ जी, ब्रम्पटन इच घूमते घूमते असी एक होर प्लाजा इच आ गए, जो अपनी सिटीज इच जिवें मैं दस्या सी अपनी कलोनी प्लाजा होंदा ने। इस प्लाजा विच इक द जूस किंग करके एक शॉप हैगी है, उत्थे सब तो ज़्यादा जो रुकन दा मिलिया वो गन्ने दा रस सी, जो कि ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ? ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਧਰ ਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਮਟਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੈ, ਪੈਪਸੀ ਪੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪੀਓ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਹੈ ਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਰਮਟਨ ਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ चूहे की, जो चूहे का इंतजार कर रही है। देखो कैसे बैठी है घास लगा के, कान इसके इतने तेज हैं कुछ कहने के। बुलाना म्याओ, म्याओ। चूहे का इंतजार कर रही है। आजा बबुआ, मानो बिल्ली आई। म्याओ। उन्हें लग रहा है कि चूहा नेड़े तेड़े ही है। अगर कभी भी सड़क पार करनी होती है, जैसे हम इधर जाना है तो हमें ये बटन दबाना पड़ेगा। बटन दबा नहीं है, अब बटन दबा दिया तो यहाँ पर सामने आपको अभी स्टॉप है, अभी ग्रीन होएगी, तभी ग्रीन होगा तो हम सड़क पार कर सकते हैं। ये ऐसे जब ग्रीन हो जाती है तभी सड़क पार करते हैं। और ये 19 सेकंड का मतलब है जल्दी से पार कर लो, आपका समय खत्म होने वाला है। और ये हमने सड़क पार कर ली। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। संडे की दोपहर है और हम घूमने निकले हैं, तो अभी एक नॉलेज मिली अपने बेटे से ही, तो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। उसने मैंने उसे बोला कि बेटा यहाँ पर पार्किंग एक तो ऐसे ही हम खड़ी नहीं कर सकते जहाँ हमारी मर्जी हो, पार्किंग होती है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ प्रॉपर पार्किंग में खड़ी करी। पूरी पार्किंग में सिर्फ एक जगह हमें छांव मिली। हवा बहुत तेज है पर धूप भी बहुत तेज है, जो भी चीज़ यहाँ पर है वो तेज ही होती है चाहे हवा भी हो चाहे धूप भी हो। तो धूप से बचने के लिए छाया चाहिए थी, तो मैंने अपने बेटे से बोला कि यहाँ पर बेटे पेड़ क्यों नहीं है, जबकि हम लोग सोचते हैं इंडिया में हम पेड़ काटते हैं, पेड़ों को बचाते नहीं है, तो यहाँ पर पेड़ क्यों नहीं है। तो उसने बोला मम्मा एक नई, मुझे भी एक बात नई सीखने को मिली, मैं वो शेयर कर रही हूँ। पेड़ों की थिकनेस बताएगी कि वो एरिया नया है या पुराना है। जैसे ये पेड़ आप देख रहे हैं, इसका तना है जो वो अभी शुरू हुआ है, यानी ये एरिया जब बना तो पेड़ गवर्नमेंट ने लगाए इसे डेवलप करने के लिए। तो जैसे जैसे ये तना जितना मोटा होगा पता लगेगा कि वो कॉलोनी उतनी ही पुरानी है, वो एरिया उतना पुराना है। तो पेड़ों से इनको प्यार है और नेचर से जिसे प्यार कहते हैं ना, वो यहाँ आके हमें लगा। इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता और इतना मेंटेन सब कुछ। हवा भी आती है तो वो लगता है जैसे ऑक्सीजन से भर गया हमारा शरीर। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आगे भी ऐसे कुछ जो भी नॉलेज मिलेगी मैं शेयर करती जाऊँगी, और आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एक माँ की नज़र से, एक मम्मी की नज़र से, अक्कू की अम्मी आपके साथ शेयर करेगी। और आप क्या देखना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। तो अपने कमेंट में आप जितनी बातें कहेंगे मैं कोशिश करूंगी मैं भी पूछूं और जानूं और आपके साथ शेयर करूं। आज के कनाडा के टूर में आज हम आए ईस्ट ब्रम्पटन में, चांदनी चौक लाजपत नगर का पूरा कॉन्सेप्ट इनकी शॉप पर है।
अगर आपको आज यहाँ पर कोई घर पे फंक्शन करना है, इंडियन कल्चर से भरा हुआ सामान शादी से लेके छोटे फंक्शन तक का सब इस शॉप पर अवेलेबल है। और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें, साउथ इंडियन डोसा और बहुत सारे इंडियन फूड, ये पूरा प्लाजा है जो इंडियन फूड से भरा हुआ है। और सबसे प्यारी बात इस मार्केट की लगी, इन फूलों में, भरे हुए फूलों में सुंदर से एकदम बाबा जी दिख के सामने, गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा दशमेश दरबार साहब, वेरी ब्यूटीफुल व्यू, एकदम ऐसे लगा जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस में एकदम गुरुद्वारा बंगला साहब के दर्शन होते हैं या गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के, सेम वहाँ पर ब्रम्पटन में आके इस गुरुद्वारे को देख के वैसी फीलिंग हुई। और आसपास पंजाबियत और इंडियन कल्चर भरा हुआ है, हर शॉप हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर कनाडा में जो सबसे अच्छी बात लगी कि हर बात के लिए जाना तो पड़ता है स्टोर या मॉल में, पर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो हर कॉलोनी या हर घरों के आसपास एक प्लाजाज होते हैं जिसमें डेली नीड का सामान आपको मिल जाता है। बस घर से अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो गाड़ी पे आइए, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, नहीं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्लाजाज होते हैं जहाँ पर, जैसे अभी है यहाँ पर, ये डेंटल क्लिनिक है, ऑप्टिकल का है, मेडिसिन की दुकान है, वो हेल्थ पॉइंट है, ऐसी जिम भी है, मीट शॉप है, और यहाँ का फेमस एक हलवाई है जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में बीकानेर या हल्दीराम है, दुआबा स्वीट्स है, और साथ में ही बच्चों का प्रिपेटरी लैंड भी है, मोंटेसरी स्कूल जिसे बोलते हैं, जैसे हम अपने वहाँ पर छोटे बच्चों को प्रिपेटरी लैंड में डालते हैं स्कूल जाने से पहले। और ये कोड निंजास है, ये छोटे बच्चों का ट्यूशन सेंटर है। और ऋषभ ज्वेलर है इंडिया का, इंडियन ज्वेलरी मिल जाती है, इंडियन थीम वाले टेस्ट वाली। तो पॉपुलर पिज़्ज़ा है जिसमें इंडियन टच है, मसाले वाला पिज़्ज़ा मिलता है। ऐसे ही इंडो कनाडा सैलून है, ब्यूटी पार्लर जो हमारे वहाँ गली गली में होता है, यहाँ पर प्लाजा में है। और सबसे बढ़िया बात है खाइले पान बनारस वाला, जो पान का भी मज़ा यहाँ पर इंडिया में लेते हैं और यहाँ छोड़ नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर रंगीला पान है। और सबसे बढ़िया मुझे लगा फिजियोथेरेपी सेंटर भी है, हाँ तुम्हारे घुटने कमर दर्द हो जाए घूम घूम के तो तुम यहाँ पर थेरेपी भी करा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगी, अभी मैंने जिन जिन शॉप्स के नाम लिए, अगर वो मुझे YouTube में देख रहे हैं तो उनकी फ्री की सर ऐड आई है मेरी तरफ से, अक्कू की अम्मी YouTube पर। और आप क्या क्या जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अगली शूट उस तरह का करूँ या उस तरह की नॉलेज लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। ये फायर सेफ्टी है के लिए है, अगर बाय चांस कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है, आग लग जाती है, तो ये फायर वालों के लिए। इसके आगे और बिल्कुल सामने आप पार्किंग नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, चाहे ये किसी के घर के भी आगे हो, वो भी अपने इस एरिया के आगे उसका गेस्ट या वो पार्किंग नहीं कर सकता।